हाय। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, क्या चल रहा है? सब ठीक चल रहा है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैच को इतने अच्छे से हम लोग कवर कर रहे हैं। दिक्कत आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दिक्कत आने की कोई संभावना नहीं है। ओके, बैच को बहुत अच्छा चलने दीजिए। इसी तरह से चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। अपने टॉपिक क्या चल रहा था? भारत का संविधान चल रहा था। ओके, भारत का संविधान में कुछ बच गया था, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या। भारत का संविधान तो ख़त्म ही हो चुका था, थोड़ा सा एक बचा हुआ है, एक पैराग्राफ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत का क्या, भारत सामान्य तथ्य, भारत सामान्य तथ्य उसके बाद पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं सिलेबस पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यही मेरा जो है भारतीय संविधान का, भारत का संविधान में जो एक टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये हम लोग का बचा हुआ था। इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पर आएंगे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। साधारण, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सचिवालय है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा चीन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का सबसे अधिकारी महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव होता है, तथा इसके नियुक्ति सुरक्षा परिषद के अधिप्रस्ताव पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिगवेली नार्वे 1946 से 1953 थे। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने जान चुका है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप बताएं। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं, इधर संस्थाएं हैं, इधर साइड मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेंग नीदरलैंड में है। विश्व बैंक वाशिंगटन में है। इंटरपोल, इंटरपोल है जो है लियोंस फ्रांस में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, याद रखें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को बोलता है। ओके, यह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को पेरिस में है जो कि फ्रांस में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, याद रखें ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और UNICEF यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष न्यूयॉर्क में अमेरिका में पड़ता है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन अमेरिका में। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC में 8 देश है। 8 देश कौन कौन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। देखिए इसमें कौन सा याद नहीं रहता है, भूटान याद नहीं रहता है और मालदीव अफगानिस्तान नहीं याद रहता। मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान और ये पड़ोसी देश समझिए सब। ओके, तो ये था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। ओके, यहाँ पे आपका भारत का संविधान इंड होता है, भारत का संविधान खत्म होता है। और चलिए अब अगला टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक का नाम है भारत सामान्य तथ्य। भारत सामान्य तथ्य, अगला टॉपिक का नाम है भारत सामान्य तथ्य। ओके, भारत सामान्य तथ्य। भारत संबंधी तथ्य, ओके, भारत संबंधी तथ्य है राष्ट्रीय चिन्ह। सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रीय चिन्ह। सारनाथ उत्तर प्रदेश के संग्रहालय में स्थित अशोक महान के अशोक चक्र, जिसमें 4 शेर एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। राज्य प्रतीक में केवल 3 शेर दिखाई पड़ते हैं। चक्र फलक के केंद्र में है, बैल दाहिने तरफ व घोड़ा बाईं ओर है, तथा मुंडकोपनिषद का श्लोक सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में फलक के नीचे लिखा हुआ है। देवनागरी लिपि में फलक के नीचे लिखा हुआ है। 26 जनवरी 1950 के दिन इसे अपनाया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय झंडा, हमारा झंडा 3 रंग का है। ओके, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद व नीचे हरा रंग है। झंडे की लंबाई और चौड़ाई 3:2 का अनुपात है। झंडे के बीच में गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां। और यह सारनाथ के अशोक स्तंभ का चक्र है। झंडे की संरचना कई अवस्थाओं से गुजरती हुई संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को वर्तमान रूप में पास की गई। इसे राष्ट्र को 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि अधिवेशन में समर्पित किया गया। ओके, और अगला जो है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से किनका था? बंकिम चंद्र चटर्जी का गीत वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में प्रथम बार पढ़ा गया। यह गीत आज़ादी के संघर्ष में मुख्य प्रेरणा स्रोत रहा है।
और अगला है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन गान को कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को प्रथम बार पढ़ा गया। इसे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। और अगला जो है हमारा राष्ट्रीय चीज, राष्ट्रीय वस्तु, उसको बोल सकते हैं राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। पक्षी मोर है। जल जीव डॉल्फिन है। फूल कमल है। ओके, राष्ट्रीय फूल कमल है। आपको ये नहीं दिख रहा था। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा है दो लाइन, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते स्लाइड नहीं हुआ। ओके, अगला जो टॉपिक का नाम है भारत में प्रक्षेपास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो इसकी जानकारी हम लोग लेते हैं। आइए हम लोग चलते हैं। भारत में प्रक्षेपास्त्र रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं तथा विकास एवं अनुसंधान कार्यक्रम की देखरेख करता है। इसके अंतर्गत रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DRDO तथा 50 प्रयोगशालाएं हैं। बारी बारी से हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में पृथ्वी। पृथ्वी देश में निर्मित भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी है। जमीन से जमीन पर मार करने में निपुण है। विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों के साथ इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक है। पृथ्वी का जो मारक क्षमता है 250 किलोमीटर तक है, याद रखें। दूसरा है त्रिशूल। त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाला कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। इस प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता 5 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। 5 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। तीसरा है अग्नि। अग्नि क्या है? अग्नि मध्यम दूरी और जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर तक है। जिसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर तक है। अग्नि 1 और अग्नि 2, जिसे सफल परीक्षण के बाद पहले ही सेना में शामिल कर लिया गया है। ओके, और 4 नंबर में है आकाश। आकाश एक अति आधुनिक बहुलक्ष्य आयामी जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इस प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। ओके, पांचवा है नाग। नाग एक टैंक नाशक फायर एंड फॉरगेट प्रकार का निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। और 6 नंबर में है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस यह क्रूज मिसाइल रूस के सहयोग से तैयार की गई है। ब्रह्मोस, ये सब याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें
ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देने की बात नहीं है, आप थोड़ा सा देख लेंगे आपको याद रह जाएगा दोस्तों। ये सब जो होता है टाइम बचाता है, जैसे मैथ वगैरह है इस सब में टाइम थोड़ा लगता है, ये सब तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन रहता है ना, आप जल्दी से इसको देखकर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक का नाम है सेना के सहायक संगठन, फोटो नहीं आ रहा है, ओके आ रहा है, अब आ रहा है, ओके। टॉपिक का नाम है सेना के सहायक संगठन, ओके, और फर्स्ट में दिया गया है प्रादेशिक सेना। प्रादेशिक सेना, इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसमें 18 से 35 वर्ष के नागरिक को भर्ती किया गया और किया जाता है। यह अंशकालिक स्वैच्छिक सेना है। इसमें पैदल सेना, इंजीनियरिंग व चिकित्सा टुकड़ियों होती है और टुकड़ियां होती है। ओके, ये हो गया प्रादेशिक सेना। और दूसरा है एनसीसी। एनसीसी, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसमें तीन विभाग, सीनियर, जूनियर, बालिकाएं व बालिकाएं, यह छात्रों का संगठन है। इसके तीन पार्श्व, थल सेना, नौसेना, वायुसेना होता है। तीसरा में है गृह रक्षक, कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। युद्ध के समय इसका कार्य सेना की सहायता करना है तथा शांति काल में यह पुलिस की सहायता करता है। केंद्रीय, और अगला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस, CRPF। इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी। उस समय उसका नाम क्राउन प्रतिनिधि पुलिस होता था। यह शांति के समय कानून व व्यवस्था को बनाए रखना व युद्ध काल में सेना की सहायता के लिए होती है। पांचवा नंबर में है सीमा सुरक्षा बल, BSF। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। इसकी कार्य सीमाओं की रक्षा करना व तस्करी को रोकना है। आंतरिक मामलों में शांति स्थापना के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इस समय इसमें 156 बटालियन हैं। अगला जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP। इसकी स्थापना 1962 में चीन के आक्रमण के पश्चात की गई, ओके। और अगला हम लोग देखते हैं ओके। अगला जो है रैपिड एक्शन फोर्स, RAF। इस संगठन की स्थापना 1992 में सांप्रदायिक दंगों को दबाने के लिए की गई, ओके। रैपिड एक्शन फोर्स। अगला जो टॉपिक है त्यौहार पे लिया गया है। भारत की संस्कृति की विशालता इसके विभिन्न प्रकार के त्यौहारों में भी व्याप्त है। त्यौहार व उनका क्षेत्रों से संबंध, ओके। जैसे त्यौहार है
और उसका कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है उस त्यौहार को इस तरह से जानना है। ओनम केरल में, बैसाखी पंजाब में, गणगौर राजस्थान में, दुर्गा पूजा उत्तरी भारत में, क्राइस्ट ईसाइयों का, पोंगल तमिलनाडु में, तीज राजस्थान व हरियाणा में, अरे बिहार में भी मनाया जाता है तीज भाई, गणेश पूजा महाराष्ट्र व कर्नाटक के कुछ भाग में, गणेश पूजा महाराष्ट्र व कर्नाटक के कुछ भाग में, बिहार में भी मनाया जाता है गणेश पूजा, दिवाली दशहरा समस्त भारत, दिवाली दशहरा समस्त भारत, ईद मुसलमानों का। अगला जो टॉपिक है वो है सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, नृत्य। भारत में प्राचीन शैलियों व राज्यों के सामूहिक नृत्य निम्न है, सामूहिक नृत्य निम्न है। अब देखते हैं कि कौन सा नृत्य किधर साइड पाया जाता है। भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में, और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। हमने यहाँ पे रहा था तो मैंने देखा था कुचिपुड़ी बहुत ही अच्छा नृत्य है। मणिपुर, मणिपुरी मणिपुर वैष्णव शैली, गरबा गुजरात में, गिद्दा पंजाब महिलाओं द्वारा, कथक उत्तर भारत का नृत्य है, कथकली केरल का है, यक्षगान कर्नाटक का है, घूमर राजस्थान का है, भांगड़ा पंजाब का है पुरुषों द्वारा। ओके, हम लोग अच्छी तरह से इसको जानें। ओके, और अगला जो टॉपिक है, भारत में प्रथम व्यक्ति, भारत में प्रथम व्यक्ति, शुरू से हम लोग देखते हैं कौन कौन क्या क्या है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र चटर्जी बनर्जी 1885 ईस्वी में, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य क्षेत्र में। ओके, और विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता सी वी रमन। ओके, याद रखें। भारत रत्न विजेता सी राजगोपालाचारी 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। और अगला है महिला कांग्रेस अध्यक्ष विदेशी एनी बेसेंट। ओके, महिला कांग्रेस अध्यक्ष भारतीय सरोजनी नायडू। ओके, महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। महिला माउंट एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल 1984 ईस्वी में। महिला मंत्री प्रांत में विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश से। महिला संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित 1953 ईस्वी में। भारतीय जिसने ICS उत्तीर्ण की सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रथम महिला रेल इंजन चालक सुरेखा 1992 में चालक बनी, सुरेखा 1992 में चालक बनी। महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के रहे थे 1963 से 1967 तक, उत्तर प्रदेश में 1963 से 1967 तक श्रीमती सुचेता कृपलानी।
सर्वोच्च न्यायालय में महिला जज मीरा साहिब फातिमा बीबी 1949 ईस्वी में प्रथम महिला जो किसी विधानसभा की स्पीकर बनी, श्रीमती सन्नो देवी। महिला राजदूत कौन थी? सुश्री सीबी मुथाना। महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश 1947 ईस्वी। अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना 1984 ईस्वी में। ओके, अगला है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारतीय महिला आरती शाह 1959 ईस्वी में। ओके, पहला व्यक्ति पायलट J.R.D. टाटा एयरलाइंस 1929 ईस्वी में। प्रथम उद्योगपति भारत रत्न विजेता J.R.D. टाटा। प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा शेरपा तेंजिंग 19 मई 1953 ईस्वी में। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम महिला ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने वाली कर्णम मल्लेश्वरी। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बना सी राजगोपालाचारी। भारत रत्न भी मिला था इनको सबसे पहले। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बैटन। प्रथम सेनापति भारतीय जनरल करियप्पा। प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी जिसने 400 विकेट गिराए कपिल देव। प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी जिसने 10,000 रन बनाए सुनील गावस्कर। भारतीय सेनाओं का प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, बाद में राष्ट्रपति भी बने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम महिला IPS किरण बेदी 1974 ईस्वी में। प्रथम महिला पायलट एयरलाइंस का दुर्वा बनर्जी 1966 से 1988 ईस्वी तक
प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य। अगला जो इसी में है वो है प्रथम व्यक्ति जो दक्षिणी ध्रुव पहुंचा, प्रथम व्यक्ति जो दक्षिणी ध्रुव पहुंचा, कर्नल आई के बजाज 1989 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया 1950 से 1951 ईस्वी तक, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी 1977 ईस्वी में, ओके, उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाला स्क्वाड्रन लीडर संजय थापरा, तीनों सेनाओं के समक्ष राजा दिष्ट पद इक्विवेलेंट कमीशन रैंक हैं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, जनरल, एडमिरल, एयर चीफ मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल, एयर मार्शल, मेजर जनरल, रियर एडमिरल, एयर वाइस मार्शल, ब्रिगेडियर कमांडोर, एयर कमांडोर, कर्नल, इसमें कैप्टन, इसमें ग्रुप कैप्टन होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल, इसमें होता है उसी पद कमांडर, विंग कमांडर, मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, सेकेंड लेफ्टिनेंट, एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट, पायलट ऑफिसर। तो हम लोग सेना के सहायक संगठन ये सब हम चर्चा कर चुके हैं, मतलब कि भारत सामान्य तथ्य यहाँ पर इंड हो गया भारत सामान्य तथ्य। अगला वीडियो में विश्व सामान्य तथ्य चलेगा, विश्व सामान्य तथ्य के बारे में हम लोग जानेंगे, ओके। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, आप बने रहें वीडियो में, बहुत ही लाभ मिलने वाला है, आप समझिए। बहुत ही अच्छा से स्टडी करा रहा हूँ, 100% अपना एफिशिएंसी मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप ग्रहण करें और शेयर करें वीडियो को, ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, एक लाइक तो बनता है यार, बनता है विद्यार्थीगण, आप ज़रूर से ज़रूर कुछ सहायता करें, फ्री में इतना एजुकेशन पा रहे हैं तो कुछ कर दीजिएगा तो आपका कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हमें विश्वास है कि आप ज़रूर से ज़रूर मेरी सहायता करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी नॉलेज हम दे रहे हैं, आपको अब विश्वास होना चाहिए, ओके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।